आज सबसे बड़े नमन में नागराज संतों को करता हूँ कि योजन का रखा और आप बहुत बड़े हमारे समाज के सुधारक कह सकता हूँ मैं आपको। मेरे भाई और बहनों, आज बड़ी खुशी हुई कि बाबा साहब की इस जयंती पर आप लोग संगठित होकर एक सभा का आयोजन रखा। बाबा साहब हमारे समाज में दो पुरुष थे जिनकी गिनना युग युग तक हम कर भी नहीं सकते, क्यों वो उसने तो वो काम किया जिसको हम नामांकन करें तो वो भी कम पड़ जाएगा। मेरे भाई और बहनों, जब बाबा साहब ने संघर्ष किया तो संघर्ष बहुत कठिन था, रास्ता बहुत कठिन था, मंजिल बहुत कठिन थी, फिर भी उसने संघर्ष करके हमने इस मंच पर में आके बैठा दिया। हम तो उनके पैरों की रज के समान भी नहीं है, फिर भी आज आप हर तरीका सावधान शिक्षित संगठित हो तो बाबा साहब की देन है। मेरे भाइयों, बाबा साहब ने इतना बड़ा संघर्ष किया। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बाबा साहब का नाम, जैसे मेरा नाम ओम प्रकाश है तो मेरे घर को लाड़ से रख दिया, नहीं, बाबा साहब का नाम किस तरीका से रखा गया था मैं आपको बताता हूँ। बाबा साहब का नाम भीमराव अम्बेडकर, उसमें माँ का नाम था भीमाबाई और उसका पिताजी का नाम था रामजी माली और उसका शिक्षित गुरु था उसका नाम था अम्बेडकर, जो जाति से ब्राह्मण थे उनको भी उस टाइम शिक्षा देने के लिए तैयार थे बाबा साहब के, किंतु उसके समाज के लोगों को बारे कर दिया। फिर भी उस ब्राह्मण को मैं नमन करता हूँ। बाबा साहब घर ले जाते थे, अपने हाथ से खाना खिलाते थे और उसको पढ़ा लिखाते। मेरे भाइयों, जब देश आजाद हुआ, संविधान प्रसिद्ध का चुनाव की बात आई तो बाबा साहब ने कहा मैं भी चुनाव लड़ूंगा बंबई से। ठीक है, उस टाइम महाराष्ट्र गुजरात एक बंबई होती थी, आज तो वो गुजरात महाराष्ट्र अलग अलग हो गई बंबई, तो बाबा साहब ने चुनाव लड़ा। इस देश की ताकतों ने, मैं समाज का नाम ले लूंगा, किसी जात धर्म को मैं नहीं मानता हूं, मैं पहले मानव जाति को मानूंगा, मैं किसी धर्म को नहीं मानूंगा, किसी जात को नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे आज खाटन आयोजन है, वहां 36 कौन के लोग 500 से 600 इकट्ठे होंगे, क्यों हमने संघर्ष करके उनको जगाया। मेरे भाइयों, बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे, सभी ताकतों ने उसके पीछे लगा दिया कि ये मार जाति का बंदा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए। बाबा साहब चुनाव हार गए थे, उस बंदा ने संघर्ष नहीं छोड़ा, फिर बंगाल गए। आज हमें एक आपको कहा जाति धर्म पर नहीं जाना चाहिए, देश के मुस्लिम हमारा भाई है वो देश में रहेगा, कभी उसका विरोध नहीं करना चाहिए, गलत बात हो तो समझाना चाहिए, देश के सभी जातियों का भाई हमारा भाई है, गलत बात हो तो उनको समझाना चाहिए, गलत रास्ता में जा तो उनको समझाना चाहिए। मेरे भाइयों, बंगाल से चुनाव लड़ा मुस्लिम लीग पार्टी ने, बाबा साहब चुनाव जीत गए, बाबा साहब चुनाव जीत गए, फिर देश का टुकड़ा हो गए, वो बंगाल नहीं है, वो बंगाल पूरे पाकिस्तान में चला गया, बांग्लादेश बन गया। बाबा साहब तो अब मर जैसे हो गए, अब क्या करें। जब अंग्रेजों की सरकार ने कहा आपका देश आजाद हो गया, आपके देश में संविधान नहीं बनेगा, हम आपको सत्ता नहीं सौंपेंगे, आप संविधान बनाइए, सत्ता डर गई, जिन लोगों ने हमारा शोषण किया आप उस सब के भूख गए, उनको पता ही नहीं था कि वो तो खून पिए थे गरीबों का, कोई जात का गरीबा उन सबका खून पीते थे, ये नहीं है कि राजपूत का नहीं पीते थे, ब्राह्मण का नहीं पीते थे, जाट का नहीं पीते, गरीब दबे वालों का सबका उनका शोषण होते थे। जिन लोगों ने विचार करो उस टाइम बाबा साहब के जुड़े, आज भी हमारे साहब नए बंसीलाल जी है, सुखाराम जी है बीच में, तो ये आज भी विचार डॉक्टर साहब है जुड़े हुए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अबे बात फंस गई, इस देश का संविधान कौन बनाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम का एक व्यक्ति था समूह जाति से, उसने एक पीएम होता था उस टाइम, सीएम नहीं होता था, पीएम होता था, बालदर नाम का, उसने कहा
जेकर को इस्तीफा दे रहो और देश को संविधान बनाना है, अंग्रेजों से बचाना है, तो अम्बेडकर के अलावा इस देश में कोई संविधान बनाने वाला नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, उसको संविधान के लिए इस्तीफा दे रहा। फिर बाबा साहब ने अभी बताया था, वंशीलाल जी ने बाहर बैठा थे तस्दूर में बैठा थे, जब अन्य बच्चों को पूछते थे मास्टर 16-17 कितने होते, तो बाबा साहब हाथ खड़े करते थे, उस वक्त चुप बैठ रहा। मेरे भाइयों आपको बताता हूं, जो समाज के कीड़े होते हैं वो समाज के कीड़े होते हैं, एक दूसरे की काट करना, एक दूसरे को कुचलना, उसको कहते हैं कीड़ा है। तो भगवान ने भी समझाया था कि मैंने भीलरी का बोर खाया, मैंने निशांत राज को घर पे रखा, हमने वहां गए, देवनाथ भगवान ने समझाया था कि एसी का बंदा को मैंने पुजारी रखा, भगवान श्री रामदेव जी ने बताया था कि मैं एसी में पाल पोषण बढ़ाया, किंतु जो समाज के कीड़े वो समझे नहीं।